अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? रोज़मर्रा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी। आज हम आपके साथ बिल्कुल करीम की तरह समूथ स्ट्रॉबेरी शेक लेके आए हैं, जो बहुत इजी और खाने में बहुत मज़े का। आप इसे पी भी सकते हैं, आप चम्मच के साथ खा भी सकते हैं। ये बिल्कुल क्रीम की तरह समूथ बनेगा, वो भी बग़ैर दूध के, सिर्फ बलाई के साथ। सबसे पहले यहाँ पर हम स्ट्रॉबेरी लेंगे, 300 ग्राम। यहाँ पर हमने 300 ग्राम स्ट्रॉबेरी ली है, जिसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद हम इसको इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे तकरीबन 15 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे। अब हम यहाँ पर फुल जमी हुई क्रीम लेंगे 500 ग्राम। यहाँ पर हम क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फुल जमी हुई बलाई लेंगे। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम बलाई है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी हमारी बहुत अच्छे से जम चुकी है। सबसे पहले हम इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड करेंगे। हमारे पास तकरीबन 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी है, एक प्याली को हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम को यहाँ पर हमने स्किप किया है, इसमें हम जमी हुई बलाई ऐड करेंगे। ये मेरे पास अच्छी तरह से जमी हुई बलाई है 200 ग्राम, जो हम इसमें ऐड कर लेंगे। 200 ग्राम तकरीबन छोटी प्याली फुल जमी हुई बलाई मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। फुल जमी हुई बलाई तकरीबन छोटी प्याली हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें छोटे 3 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच आइसिंग शुगर और 2 चम्मच ये चीनी ऐड की है, तकरीबन 3 चम्मच होगी। अब हम इसमें तकरीबन 2 अदद अंडों की सफेदी ऐड करेंगे। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त क्रीम जैसा बिल्कुल क्रीमी शेक हमारा रेडी हो चुका है। ये स्ट्रॉबेरी शेक आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा, आप इसे चम्मच से भी खा सकते हैं बग़ैर मिल्क के। इसे हमने बलाई के साथ बिल्कुल क्रीमी क्रीम जैसा बनाया है। सफ़ेदी ऐड करने से इसका स्मूथ बिल्कुल क्रीम जैसा होगा, बिल्कुल स्मूथ और क्रीम जैसा, बहुत ज़बरदस्त।